ओम शांति। एकाग्रचित्त होना, स्थिर बुद्धि होना सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने का आधार है। सिद्धि को दूसरे रूप में हम सफलता भी कहते हैं। हर कार्य में सफलता प्राप्ति का आधार एकाग्रता है। हम अपनी बुद्धि को एकाग्र करें। मनुष्य की बुद्धि को हर लेती हैं चार चीजें, इच्छाएं और तृष्णाएं। मनुष्य की बुद्धि को हर कर इधर उधर भगा देती हैं काम और कामनाएं। मनुष्य की बुद्धि को अस्थिर करती हैं, भटका देती हैं। पहले हम लेते हैं काम को, काम वासना, सेक्स लस्ट। ये विषय वासना मनुष्यों के पुण्यों को नष्ट कर देती है। मनुष्य की बुद्धि सदैव देह में विषयों के चिंतन में ही लगी रहती है। गीता में बहुत अच्छी चीज है, बहुत सुंदर महावाक्य है। कईयों के विषय तो समाप्त हो जाते हैं लेकिन विषयों में आसक्ति समाप्त नहीं होती। अर्थात कई लोग पवित्र तो बन जाते हैं, ब्रह्मचर्य अपना लेते हैं लेकिन सूक्ष्म इच्छाएं रह जाती हैं, आसक्तियां उनमें रह जाती हैं। पुराने संस्कार बार बार याद आने लगते हैं, कभी उनका आकर्षण होने लगता है। इन सब से जो परे हो जाए वो स्थिर बुद्धि है। पर परे कैसे हो जाए, इसके लिए वही आत्मज्ञान जो इस दूसरे अध्याय में दिया गया है उसकी आवश्यकता है। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। अगर हम ये अभ्यास करते हैं, इसको कहते हैं देह से डिटैचमेंट, तो कर्मेंद्रियां शीतल होने लगती हैं। हमें कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक शीतल नहीं करना, रोकना नहीं है। गीता में ये सुंदर महावाक्य है, हठपूर्वक जो अपनी कर्मेंद्रियों को वश करते हैं वो क्षणिक भर के लिए तो वश हो जाती हैं लेकिन फिर भागने लगती हैं। हठपूर्वक नहीं, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करते हुए। आप करके देख लीजिए, मैं आत्मा हूँ, चमकती ज्योति हूँ, परम पवित्र हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। इसका अभ्यास करें, कई बार करें। 7 दिन अगर आप करके देख लें तो 7 दिन में आपकी बुद्धि स्थिर होने लगेगी। दूसरा, दूसरे व्यक्ति को भी आत्मा देखना, यह आत्मिक दृष्टि देह के आकर्षण को समाप्त कर देती है। और ये दोनों मिलकर आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना, ये दोनों मिलकर पास्ट को भुलाने लगते हैं। पास्ट को हमें जबरदस्ती भुलाना नहीं पड़ता, जबरदस्ती तो कोई भुला भी नहीं सकता, और ज़्यादा याद आएगा। स्वतः ही भूलने लगता है, वो चीज़ लाइट होने लगती है, हल्की हो के जैसे लोप हो रही हैं, ऐसा अनुभव हो जाएगा। तो काम वासना से हम पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे तो बुद्धि स्थिर होगी। इसलिए विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए ब्रह्मचर्य पालन की आवश्यकता प्राचीन काल से दर्शाई गई थी जो वर्तमान में समाप्त हो गई। इसलिए पढ़ाई बहुतों के लिए प्रेशर हो गया है क्योंकि ब्रह्मचर्य से बुद्धि बल बहुत बढ़ जाता है। ब्रह्मचर्य नहीं है तो बुद्धि बल कमजोर पड़ता है और मेमोरी छीन होती है और पढ़ाई प्रेशर अनुभव होती है कि बहुत लंबा कोर्स है, बहुत सारा कुछ पढ़ना है। है नहीं लंबा लेकिन क्षमता अंदर की कम हो गई है। कामनाएं, मनुष्य दूसरों के लिए शुभ कामना नहीं रखता, पर मुझे इससे ये चाहिए, ये व्यक्ति मुझे सम्मान दे, ये व्यक्ति मुझे प्यार से बात करे, ये व्यक्ति मुझे अप्रिशिएट करे, ये मेरे कार्यों में मदद करे, ये मेरी सफलता में सहभागी बने। कामनाएं बहुत रहती हैं। बाप के मन में कामना रहती है, इन बच्चों की मैंने पालना की है, इन्हें पढ़ाया लिखाया है, अब ये मेरी सेवा करें। अब वो नहीं करते तो मन विचलित होकर इधर उधर भटकने लगता है। सब इस बात के अनुभवी हैं। कई माताएं हमने देखी कोई कामना नहीं रखती बच्चों से। ठीक है, हमने बच्चों की पालना की, वो हमारा कर्तव्य है। अब बच्चे सुखी हैं, अपने घर अपने नौकरी धंधों में लगे हुए, माता खुश है, कोई कामना नहीं। बच्चों का फोन आ गया, बहुत खुश,
नहीं आया, ठीक है, अपने कार्यों में बिजी हैं। तो कामना रहित जीवन बहुत सुंदर जीवन है, इससे मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो हम अपनी कामनाओं को भी चेक करें, हम कोई कर्म करते हैं कामना सहित या कामना रहित। कर्म करने से पहले ही कामना है, इससे मेरा बहुत नाम हो जाएगा, इससे मुझे बहुत मान मिलने वाला है, इससे मेरी ख्याति बढ़ जाएगी चारों ओर, ये मेरा बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा, लोग मुझे पुण्य आत्मा समझेंगे, ये भी कामनाएं हैं। भले ये सुंदर कामनाएं हैं, थोड़ी अच्छी कामनाएं मानी जाएंगी, पर ये भी मन को भटकाने वाली है, क्योंकि जब ये प्राप्त होंगी तो अल्पकालीन खुशी होगी, और अगर इनकी प्राप्ति में थोड़ी कमी रह गई तो मन बहुत भटक जाएगा, विरक्ति होने लगेगी, व्यर्थ के विचार आने लगेंगे। दूसरी दो बातें हैं इच्छाएं और तृष्णाएं। इच्छाएं, कलयुग के संसार में इच्छाएं तो बहुत हैं और बदलती रहती हैं इच्छा। आप एक स्टूडेंट को देखिए, पहले उसकी केवल पढ़ाई की इच्छा थी, फिर साथी मिल गए, क्या क्या इच्छाएं हो जाती हैं। ये इच्छाएं अंतहीन हैं, इनका कहीं अंत नहीं है। ये इच्छाएं हमें अच्छा नहीं बनने देती, ये इच्छाएं हमारी सूक्ष्म शक्तियों को नष्ट कर देती हैं। इच्छाएं पूर्ण न होने से हमारी खुशी गुम हो जाती है, मन भटक जाता है। तो जिनका मन इच्छाओं के पीछे भटक रहा है, उनका मन कभी एकाग्र नहीं होगा। और इच्छाएं, जैसे मैंने कहा, अंतहीन हैं, एंडलेस हैं, इनकी कहीं समाप्ति नहीं है। एक जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी। पहले व्यक्ति पैदल चलता था, साइकिलें आई, वाह साइकिल मिल जाए तो कितना अच्छा हो, 5 किलोमीटर जाना पड़ता है, मजा आ जाए, साइकिल आ गई। दूसरों को स्कूटर देखे, इच्छा हुई, वाह साइकिल में तो पैर ही थक जाते हैं, धूप बहुत लगती है, लंबा समय लग जाता है, अगर एक स्कूटर मिल जाए तो कितना अच्छा हो। फिर स्कूटर मिल गया, फिर कारें निकली, फिर संकल्प हुआ, स्कूटर पे तो धूप ज़्यादा लगती है, हवा भी तेज लगती है, एक्सीडेंट का भी डर रहता है, कार हो तो कितना अच्छा है। मारुति कार आई थी भारत में, छोटी कारें मिल गई, अब दूसरों ने बड़ी ले ली, तृष्णाएँ बढ़ी, ये कार नहीं, इससे तो कुछ मान ही नहीं, लोग कहते हैं अरे ये इतना बड़ा आदमी मारुति में घूमता है, छोड़ो इसको, दूसरी बड़ी लेंगे हम। तो इच्छाएँ तृष्णाओं में बदलती गई। तृष्णाएँ ऐसी हो, त्रस्त से बना है तृष्णाएँ, प्यास। एक है इच्छा है, पूरी होती है, ठीक है, वह मनुष्य खुश हो जाता है। एक ऐसी है कि प्यास प्यास लगी रहती है, इच्छाएं पीछा छोड़ती नहीं, मनुष्य उनके पीछे पागल हुआ घूमता रहता है। ये सब मन को बहुत भटकाती रहती हैं, इसलिए योगियों के लिए कहा जाता है जो सभी इच्छाओं का त्याग कर दे, केवल एक इच्छा में मगन हो जाए कि मुझे तो अपने को एकाग्र करना है। अब साधकों के लिए उसको एक ही श्रेष्ठ इच्छा हो जाए कि मुझे तो परमात्मा याद में मगन होना है, मुझे अपनी बुद्धि को इधर उधर भटकने से रोकना है, क्योंकि इससे बुद्धि की दिव्यता नष्ट हो जाती है, इससे चिंतन शक्ति भी समाप्त हो जाती है। अगर ये एक इच्छा हो जाए तो वह सारी इच्छाओं की समाप्ति हो जाएगी और तब मनुष्य की बुद्धि एकाग्र रहने लगेगी। तो विद्यार्थीगण भी ध्यान दें, साधनों में उनकी इच्छाएं तृष्णाएं बढ़ती तो नहीं जा रही हैं, उसको कम करें। अब जो लक्ष्य है पढ़ाई, केवल उस पर फोकस करें तो बुद्धि स्थिर रहेगी, नहीं तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, सफलता कम मिलेगी। 4 घंटे पढ़ेंगे, याद बहुत कम रहेगा, लेकिन अगर बुद्धि स्थिर होगी तो थोड़ा जितना पढ़ेंगे उतना मेमोरी में छपता जाएगा। तो आइए हम सभी पहले अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करें, फिर अपनी इच्छाओं को कम करते चलें, अपनी तृष्णाओं को, कामनाओं को और काम वासना को मिटाते चलें और स्थिर बुद्धि होकर हर कार्य में सफलता के पथ पर आगे बढ़ें। ओम शांति।